धान बेचना जरूर चाहेंगे। यदि आपने नया जमीन खरीदा है तो आपको संशोधन फार्म भरना होगा, और इस संशोधन फार्म में आपको क्या क्या भरना है, आपको कहाँ इसे जमा करना है, क्या क्या प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, पूरे डिटेल इसमें जानेंगे। यदि आप ये फार्म नहीं भरते हैं तो आप इस साल धान नहीं बेच पाएंगे सहकारी सेवा समिति में अर्थात मंडी में। इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये फार्म जरूर भरें और ये प्रक्रियाएं पूरी जरूर करें। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आवेदन पत्र का क्रमांक दिया हुआ है, इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ किसान का नाम भरना है, यहाँ देख सकते हैं नाम भरा हुआ है। इसी तरह आप अपना यहाँ नाम भरेंगे, यहाँ पिता या पति का नाम भरेंगे, और इसके नीचे यहाँ आपको अपना पता भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ बैंक का जो खाता क्रमांक है अकाउंट नंबर वो भरना है। यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिकली लिखा रहेगा। आप जिस भी गांव में हैं, आप अपने सोसाइटी में जाकर जहाँ आप धान बेचते हैं वहाँ जाकर आप ये फार्म ले सकते हैं, वहाँ ये फार्म आपको मिलेगा। आपको किसान कोड कैसे पता करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना किसान कोड पता कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यदि आपने नया ज़मीन खरीदा है तो आपको यहाँ भरने होंगे। आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस फार्म को लेकर पटवारी के पास जाना है, पटवारी इसमें आपका पूरा संशोधन कर देगा। यहाँ देख सकते संशोधित रकबा में क्या है वो यहाँ बता देंगे। इसके अलावा यहाँ 2021 में नवीं रकबा क्या रहेगी और पड़त भूमि का रकबा क्या है उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ संशोधन का विवरण क्या है, संशोधन का कारण क्या है वो आप बता सके। तो यहाँ नया ज़मीन आपने खरीदा है इसलिए आपको जो यहाँ मतदाता परिचय पत्र है या अन्य जो पहचान पत्र है वो आपको यहाँ जानकारी देने होंगे। राशन कार्ड नंबर भी आप दे सकते हैं, आधार कार्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आधार कार्ड में आपका जो नंबर है वो आप यहाँ प्रिंट करेंगे। इस तरह से ये फॉर्म आपका पूरा हो जाता है। यहाँ आप अपना दिनांक भरेंगे और यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पटवारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और यहाँ जो सेवा समिति है उनका हस्ताक्षर रहेगा और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और अगले साल अर्थात 2021 में आप धान बेच पाएंगे। इस तरह से आप संशोधन फार्म भर के धान बेचने के लिए पात्र हो सकते हैं। ध्यान देंगे, यदि आप इस तरह का संशोधन नहीं करवाते हैं और आप नया ज़मीन लिया है तो आप धान नहीं बेच पाएंगे इस साल मंडी में। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।